बंधुओं, आज का विषय व्यक्तित्व विकास। प्रत्येक युवा की भावना रहती है कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो, जिससे कि मैं सभी जगह सबको प्रभावित करूं। व्यक्तित्व विकास में हैबिटी और एनवायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का समान योग होता है। जो गुण हमें वंशानुक्रम से आते हैं उनको शील गुण कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं, और जो हम वातावरण से ग्रहण करते हैं वो एनवायरमेंट के होते हैं। तो सबसे पहले जो शील गुण है, महाभारत में प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया, उसने खूब धन को लुटाया, लेकिन पांडवों का कोष खत्म होने के स्थान पर और अधिक भर गया। दुर्योधन जब हस्तिनापुर लौटा तो कई दिन तक सभा में नहीं गया। धृतराष्ट्र ने बुला करके पूछा, वत्स, क्या कारण है? तो उसने कहा कि पिताजी, पांडवों के राजसूय यज्ञ में 10,000 ब्राह्मण सोने की थालियों में भोजन करते थे और मैंने धन को खूब लुटाया, लेकिन उनका कोष तो और भर गया। यही चिंता मुझे सता रही है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि पुत्र, तुम भी अपना धन ऐश्वर्य बढ़ा सकते हो, शील गुणों का आचरण यदि तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा भी कोष बढ़ जाएगा। तो दुर्योधन ने कहा कि पिताजी, कौन से शील गुण? तो धृतराष्ट्र कहने लगे, सुनो, पंचशील, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनुषाग्रह अनुग्रहस्य दानं च शीलम् एतत् प्रशस्यते। सब प्राणियों के प्रति जो है वो द्रोह वैर भाव को त्यागना, और अनुग्रह प्राणी मात्र पर कृपा करना कि इसको भी जीने का अधिकार है, और यथाशक्ति दान देना, ये तीन उत्तम शील के गुण है। आगे सुनो, यद अन्येषां हितं न स्यात् आत्मनः कर्म पौरुषम् अपतृप्येत वायेन न तत्कुर्यात् कथञ्चन। जिस कार्य के करने से अपना और दूसरों का कोई हित नहीं होता हो, जिस कार्य को करने से सभा में, माता पिता के सामने, बड़ों के नीचे सामने नीचा सिर करना पड़े, उस काम को नहीं करना चाहिए। ये चौथा शील है। और पांचवा शील क्या है? तत्कु कर्म सदा कुर्यात् येन श्लाघ्यते संसदि शीलम समासेने तत् कथितं ते कुरुषत्वम्। वो काम करे जिससे कि सभा में, लोगों में, समाज में उसकी स्तुति हो, सब लोग कहें कि बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा पुत्र बहुत अच्छा है, माता पिता को कितनी प्रसन्नता होगी। तो ये पांच शील गुण बतलाए, एक बार फिर से इनको ध्यान देंगे। प्राणी मात्र से द्रोह वैर भाव को त्यागना, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो अपने समान सबको देखता है वही बुद्धिमान है। दूसरा, अनुग्रह, सब पर कृपा करना, दया करना, किसी से द्वेष भाव नहीं रखना, और यथाशक्ति दान देना, और किसी भी काम को करते समय भी विचार करो कि यही व्यवहार यदि कोई मेरे साथ करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। जिस काम के करने से भय, शंका, लज्जा जलानी हो, उस काम को नहीं करना। और पांचवा शील क्या है? कि ऐसे काम करना जिससे कि सभा में, सोसाइटी में किसी युवक की जो है प्रशंसा हो। तो बंधुओं, ये शील के पांच पंच शील आज आपके सामने रखे।